ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन सड़क दुर्घटना में घायल, ये सिर पर आई चोट। ये घटना राजस्थान के कोटा चित्तौड़ हाईवे पर हुई। मंगल पर मानव बस्ती बसाने के लिए बिजनेस टाइकॉन एलन मैक्सल की दिग्गज कंपनी स्पेस एक्सन ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट फॉल्कन हैवी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर रचा इतिहास। ताइवान के ईस्टर्न हिस्से में तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल्स पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप के असर से कई इमारतें गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हुई। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में 87 आप के अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। पटना पुलिस ने 12 घंटे के अंदर एक अगवा छात्र को सकुशल रिहा कर लिया है। 9वीं क्लास के छात्र जहद का अपहरण घटना के पौश इलाके पाटलिपुत्र कॉलोनी उस वक्त हुआ जब वो स्कूल जा रहा था। गोवा में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक खदानों के लाइसेंस रद्द किए। खंडपीठ ने आदेश दिए कि अब नई नीतियों के तहत खदानों का आवंटन होगा। कासगंज में चंदन गुप्ता के परिजनों ने बताया कि 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा से एक दिन पहले चंदन ने एक मुस्लिम युवा को अपना खून दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर संविधान पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपनी दलील का आधार पीएम मोदी के दावोस में दिए भाषण को बनाया। CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए गए हैं। सांसद विनय कटियार ने एक बड़ा बयान दिया है कि कटियार ने असुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि वंदे मातरम ना बोलने वालों को भी सजा देने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्या स्पंदना रम्या को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद रम्या अब अपने एक वीडियो को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। भारत और चीन की तर्ज पर अब अमेरिका भी दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सेना प्रमुख को आदेश दिया। पाकिस्तान में अपने नागरिक की हत्या से चीन हिल गया है। चीन ने घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से चीन नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है।